देखिए कि कितना नरक हो चुका है यहाँ पर और इसका जिम्मेवार कौन है। पब्लिक हेल्थ क्या उसकी नज़र यहाँ से नहीं आती है? ये रोड सरोग आश्रम की तरफ भी जाता है। हम खड़े हैं सामने लक्ष्मी फर्नीचर के सामने जो हुड्डा को जाता है शहीद भगत सिंह स्कूल के सामने। यहाँ पर दुकानदार निकल नहीं सकता, सीवर का इतना गंदा पानी है दुकानों के सामने, डेंगू हैजा डायरिया सब बीमारी फैलने का यहाँ अंदेशा बना रहता है। लोग नरकीय जीवन पे, इनके चेहरे पढ़ लीजिए कि ये कितने यानी कि इस आजिज हैं इस गंदे पानी से। क्या पॉश कॉलोनियों का ये हाल होगा जो हुड्डा कहलाता है? अब तो आम आदमी जो छोटी छोटी गलियों में रहता है उनका क्या हाल होगा? इस प्रशासन का हाल कौन इसका जिम्मेवार है? इन प्रशासनिक अधिकारियों की क्या कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या, सिवाय सीवर चौक करके लोगों को गंदगी में मारने की जिम्मेवारी है? कौन जिम्मेवार है इसका? ये लोगों से जानता हूँ मैं कि भाई साहब आप इतना बड़ा शोरूम तो बना लिया आपने, लेकिन इतना गंदगी का आलम है आपके पास, कैसे जी रहे हो आप? जीना तो बहुत दुर्लभ हो गया, वो तो मरण तक की तो ये शिवर है ना, ये बैक रहता है, बैक मारे थे सुबह शाम जब भी पानी छोड़ते हैं ना, शिवर का सारा सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। हमने तो अंदर छुपना पड़ा है, ये बाहर का कभी पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से और कभी और से बात हुई क्या आपकी? हुई ही कई बार हुई थी, ये सफाई करवाएंगे और करवाएंगे, कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। हाँ जी बताओ। सीवर ओवर फ्लो होते हैं, काफ़ी सालों से होते हैं और कई दफ़ा हमने पब्लिक हेल्थ को भी इसकी कंप्लेंट करी है और हमने इसके पेपर में भी निकलवाई कई दफ़ा, लेकिन इस पर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर मन कहाँ जाता है? ये रोड आगे उड्डा, हाँ उड्डा सेक्टर 6 में पोस इलाका ही है हमारे शहर का, इससे बढ़िया कोई इलाका है ही नहीं, लेकिन इस रोड पर पानी हमेशा भरा रहता है। आगे शमशान भूमि है, शमशान भूमि से यहाँ से जो मुर्दे जाते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। यात्रा जो जाती है, सब यात्रा यहाँ से जाती है, 100-200 बार तो हादसा भी हुआ बताते हैं, कई दफ़ा हादसा भी हुआ यहाँ। ये सीवर ओवर फ्लो पिछले कई सालों से हो रहे हैं यहाँ, और अब तो जैसे ही बारिश का टाइम आ गया तो थोड़ा सा पानी फालतू आते ही रोड के ऊपर आ जाता है, सीवर ओवर फ्लो हो जाता है। कितने एक्सीडेंट देख चुके हो अपनी आँखों से आप? काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं यहाँ तो, हर रोजाना माला एक तो आवारा पशु हो रहे। बताओ भाई साहब, आप तो चश्मा लगा के गहरे यानी कि गंदे पानी को नजर देख रहे हो, गड़ाई देख क्या? ये समुद्र बना रखे है, बढ़िया खुशबू आने लग रही है। मैं तो कहूँ एक बार विधायक जी भी एक दो दिन उरे बैठे है या कोई मंत्री संतरी बैठे तो कुछ पता लगे यहाँ की खुशबू। अच्छा, विधायक कच्चा पानी का प्रोग्राम कराए थे, करा देंगे चाय पानी का प्रोग्राम करा देंगे, आ जाएगा तो अच्छी बात है, हमने खुशी होगी। हम तो चाहवा आवे, हम चाहते हैं जी एक बार आवे यहाँ संभाल करे। हाँ, तभी बताओ भाई साहब। यहाँ तो बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारी तो दुकानदार भी फैल होगी जब कोई ना तो कस्टमर आंदा, कस्टमर के आदमी आने जाने में भी बहुत परेशानी है। हम खुद भी मेहनत कर लिया, हाँ कितना करें, एक भी सी और ये नहीं, दो बूंद गिरते तो ये बैक मारे हैं, कहाँ पानी निकाले इसका, कई बार शिकायत कर ली। जैसे जैसे बादल घनेरे उमड़ते आ रहे हैं, इन लोगों की धड़कन और बढ़ती आ रही है। पब्लिक हेल्थ के कंसर्न जय दीपक से हमारी बात हुई, हमने जनता जनार्दन की भी बात करवाई, वो कह रहे हैं कि मैं बैक बोन पर लगा हुआ हूँ, जो शहर की बैक बोन है जो मेन लाइन है उसको दुरुस्त कराऊंगा, लेकिन इनकी लाइन चौक हो चुकी है, उधर सड़क का निर्माण हो रहा और ये आज नहीं, सड़क तो अब बनने लगी है, इससे पहले भी यही हाल था। और ये पौश एरिया है हुड्डा का जो ये रोड अप्रोच करता है, सरोग आश्रम है, यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, अपने मृत प्राणियों को लेके जाते हैं तो रास्ते में गिर भी जाते हैं कई बार, इसकी ओर संज्ञान कीजिएगा, संज्ञान दीजिएगा प्रशासन भी, और हम SDM महोदय को भी कहते हैं आप नए नए आए हैं यहाँ से गुजरें दो बार ताकि पता लगे लोगों की समस्या क्या होती है, और शुद्ध पेयजल और लोगों को सीवर के पानी से निजात दिलाना प्रायर ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं कि आप इनको मूलभूत सुविधाएं दीजिए। देखते रहिए हासी की आवाज़, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए हमारा चैनल, अगर आपने हासी की आवाज़ हरियाणा सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपकी समस्या का हम ऐसे ही ऑफिसर से बात करके निदान करवा सकें। थैंक यू।